हेलो भाई नमस्कार चाल की देखियो यूट्यूब पे देखियो चालगी हेलो भाई नमस्कार कैसे हो सभी आई होप के अच्छे होंगे बढ़िया होंगे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे डेरी मिल का है यही तो नहीं है कोई आवाज़ वगैरह सही है भाई सलमान खान भी आ गया भाई क्लास देखने देखो हेलो <coughs> भाई नमस्कार सभी को गुड इवनिंग कल के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे कल क्लास नहीं हो पाई थी है ना थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था आवाज़ सही आ रही है ओके फिट है चलो भाई आज हम साइंस के कुछ एम पढ़ेंगे आपको पता है सी ए का एग्ज़ाम आपका है सेप्टेम्बर के अंदर चलो बढ़िया भाई बढ़िया 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 आप डेली लेंगे क्लास चिंता मत करो है ना डेली आया करेंगे अभी एक बार फटाफट सारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो शुरुआत करते हैं उसके बाद क्वेश्चन की ओके 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 ठीक है भाई डेली आएंगे चलो भाई करे शुरू आर यू रेडी चलो भाई यस चलो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ग्यूसेस क्या देता है भाई हमें सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण हमें क्या देता है नहीं लेते जी आप डेली अरे लेंगे भाई डेली लेंगे चिंता का है कि कर रहे दिसंबर में नहीं लेगा भाई एच चेयरमैन साहब कह रहे हैं अभी सितंबर में लेंगे गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग नमस्ते बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ भाई आप पढ़ने लग रहे हैं आपने के मतलब डिजिटल बोर्ड ले लिया ना ले लिया है ना भाई ठीक अपना ही है आप पढ़ाने लग रहे हैं इसका मतलब अपना ही है बताओ क्या होगा बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा भाई बताओ शाबाश क्या आएगा इसका आंसर बोलो भाई ब्लीचिंग पाउडर अरे बेकिंग सोडा नहीं आएगा वाशिंग सोडा आएगा धावन सोडा वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है क्या होता है अरे स्वाद नहीं ले रहा भाई डेली ले लेने <laughs> इतने, इतने ले ले स्वाद में। तो क्या बनाता है ये वाशिंग सोडा बनाता फार्मूला बताओ भाई वाशिंग सोडा का क्या होता है एन ए टू सीओ थ्री वो तो सोडियम कार्बोनेट होता है फिर क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब हुआ हाँ एन ए टू थ्री डोट टेन एच टू ये होता है वाशिंग सोडा का फार्मूला है ना वाशिंग सोडा धावन सोडा का फार्मूला होता है हाँ आज गुरु पूर्णिमा है ना इसलिए आज, आज ने क्लास स्टार्ट कर दी है हाँ सलमान खान कह रहा है एन ए एच सी ओ थ्री क्या होता है अभी क्या होता है बेइज्जती करवा रहे हो तुम इनके सामने जोर से बोलो इनको सुनना चाहिए क्या होता है एन एच सीओ थ्री बेजती करवा भाई तुमने। बेकिंग सोडा होता है NHCO3 NHCO3 क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसे बेकिंग सोडा मीठा सोडा बोलते हैं इसे है ना चलो आगे बढ़ते हैं भाई वाओ अगला बताओ ऊर्जा के सही स्रोत का चयन करो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ भाई शाबाश गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बताओ बताओ शाबाश कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते है ना जिसको हम दोबारा से हम नया बना नहीं बना सकते कौन सी एनर्जी होती है बताओ शाबाश तुम भी बता दो भाई ऑनलाइन वाले एनर्जी, थर्मल थर्मल अपने को हीट से मिलती है ना यानी कि कोयला को वगैरह से जो हमें एनर्जी मिलती है थर्मल पावर प्लांट में है ना तो वो जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होता है रिन्यूएबल वो होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं है दोबारा से जिस तरह अपना क्या है सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी क्या है कोई खराब हो रहा है नहीं सर कोई खत्म नहीं हो रही है एनर्जी तो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आ रही है वहां से है ना तो सोलर एनर्जी पवन शक्ति पवन क्या होता है विंड हवा हवा भी खूब चल रही है अपनी है ना अगर एनर्जी ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलती रहेगी ना बंद भी नहीं होगी तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी थर्मल एनर्जी ठीक है अभी सारे ऑप्शन यही बता रहे हैं आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है भाई बताओ इनमें से कौन है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ओबे दर्मी ऑक्साइड कौन सा है बोलो शाबाश yeah. कौन सा है ए एल टू ओ थ्री क्या है भाई ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ए एल टू ओ थ्री दो ऑक्साइड देखो वैसे तो क्या होते हैं जो अपने धातु होती है मेटल होती है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अपने वो किस नेचर के होते हैं किस नेचर के होते हैं भाई धातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं एसिडिक के बेसिक होते हैं है ना क्या होते हैं बेसिक होते हैं धातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं सारिया प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन लेकिन जो दो धातु ऐसी है जिनके ऑक्साइड किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के है. विक्की भाई बहुत बढ़िया कौन कौन से है एक तो ए एल टू ओ थ्री बाकी कौन से है भाई बाकी कौन से है जेड एन ओ ऑक्साइड ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या है एम्फोटेरिक नेचर के हैं ये दो ऑक्साइड कैसे हैं भाई एम्फोटेरिक नेचर मतलब उभयधर्मी परवृत्ति के हैं ठीक है ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है इसके अलावा नॉन मेटल के ऑक्साइड किसके होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटल मतलब अधातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं भाई हाँ ये बेसिक नेचर के होते हैं बिल्कुल और ये जो नॉन मेटल के होते हैं ये कौन से होते हैं एसिडिक होते हैं अम्लीय होते हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होता है अमल होता है कौन सा अमल बनाता है पानी के साथ मिलके बताओ पूछा था ना आज दिन में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके कौन सा एसिड बनाता है सलमान खान बता भाई कौन सा एसिड बनाता है अबे तुम्हें भी नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके कौन सा एसिड बनाता है चलो आगे बढ़ते बताओ तब तक तुम अगला बताओ खसरा यानी रूबेला कोज बाई किससे होते हैं भाई ये है? बैक्टीरिया से होते हैं वायरस से होते हैं प्रोटिस्टा से होते हैं फंगस से होते हैं किससे होते हैं बताओ शाहबाज किससे होते हैं भाई खसरा और रूबेला किससे होते हैं वायरस से होते हैं है ना क्या होता है खसरा बीमारी के अंदर ये छोटे बच्चों में ज्यादातर होते हैं बीमारी में हैं खांसी हो जाती है चेहरे के ऊपर लाल धब्बे हो जाते हैं हल्का फीवर हो जाता है है ना उसको बोलते हैं क्या खसरा या रूबेला भी बोला जाता है इसे कौन से वायरस से होता है ये बताओ कौन से वायरस से होता है बताओ तुम बताओ मुझे क्या बता कौन से वायरस से होता है भाई वायरस ऑप्शन सही है नाम बताओ मोरबिली वायरस से होता है कौन से वायरस से होता है मोरबिली वायरस से होता है ठीक है तो क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है शाबाश काढ़ा पजामा का आंसर आ गया मोरबिली वायरस सागी सागी आदमी है भाई बताओ कौन क्या है क्या है ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल क्या होता है एल्कोहल ही होता है इथेनोल है ना और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा कौन सा एंजाइम होता है बताओ बताओ इनवर्टेज जाइमेज डाइस्टेज माल्टेज नहीं नहीं माल्टेज नहीं करता जाइमेज होता है कौन होता है जाइमेज किसके अंदर पाया जाता है वेरी गुड ऑप्शन नंबर बीस जायमेज किसमें अंदर होता है अबे किसमें होता है एक ग्लूकोज एल्कोहल में किसमें कन्वर्ट होता है यीस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है यीस्ट के अंदर होता है अंदर होता है ये, है ना शाबाश अच्छा माल्टेज क्या काम करता है बताओ ये क्वेश्चन बताओ भाई ये कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सोडियम कार्बोनेट के बारे में क्या बता रहा है धावन सोडे के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कौन सी है बोलो शाबाश पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ठीक है और इसका पीएच मान होता है वो क्या होता है बेसिक नेचर का होता है पहली स्टेटमेंट तो ये कह रहा है दूसरा कह रहा है इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है क्या इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है वाशिंग सोडा का धावन सोडा क्या धावा हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वाशिंग सोडा है पहला नहीं हो सकता दूसरा कह रहा है इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका पीएच मान सात से अधिक होता है बिल्कुल सही है दूसरा भी ठीक है सही बात है यह बेकिंग के, के केक में फुलाने में काम आता है ये गलत है उसके बाद यह पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है तो क्या होता है धोने का सोडा होता है ये क्या करता है ये पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है स्थाई कठोरता उसको क्या करता है रिमूव करता है पानी के सरफेस टेंशन को खत्म करता है और पानी को क्या बना देता है ये ईजी बना देता है पानी को तो ऑप्शन नंबर चार और ऑप्शन नंबर एक सही है कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अच्छा टू और फोर अच्छा टू और फोर है भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हाँ टू और फोर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बढ़िया भाई शाबाश आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ रुक जा भाई ये बताओ भाई ये क्वेश्चन बढ़िया नुमेरिकल अब करो शाबाश करो नुमेरिकल करो क्या कह रहा है पचास जूल हीट इज बींग प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड इन ए फाइव ओम रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज निकालो भाई आंसर निकालो करो शाबाश क्वेश्चन समझ में आया ये कह रहा है एक करंट है कोई भी एक्स वाई जेड करंट है वो एक तार में से क्रॉस होती है जिस तार का जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो है पांच ओम और वो हर सेकंड में क्या हर एक सेकंड में पचास जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कितने जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है भाई पचास जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है नुम नाम आते भाग्य है हैं करूं वोल्टेज की वैल्यू बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ करो भाई सी तो तुमने रट्टा मार रखा है है ना क्या आएगा भाई देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करेंगे भाई एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी एच का मतलब है हीट कितनी है पचास जूल आई नहीं पता अपने को आई निकालना है आर कितना है 5 ओम टाइम कितना है एक सेकेंड सर आई क्यों निकालना है क्योंकि हमें तो वोल्टेज निकालना है ना तो आई क्यों निकाल रहे हैं तो हमें ओम्स ला का पता है कि वोल्टेज किसके बराबर होता है आई इन टू आर के होता है आर अपने पास तो है पांच ओम आई निकालना पड़ेगा आई इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं तो आई स्क्र अब ये क्या करेगा पांच से इसको काटोगे दस पे कट जाएगा इधर क्या है आई स्क्र तो दस बराबर हो जाएगा आई स्क्र तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे अंडर रूट से स्क्र कट जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट दस आ जाएगी और इधर वी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट दस आर की वैल्यू कितनी है पाँच तो अपना आ जाएगा फाइव अंडर रूट दस वोल्ट रट्टे मार रखे हैं ना हैं है? सिंगापुर से राम राम साढ़े हो रहे भाई चलो भाई आगे बढ़े समझ में आया कैसे क्या अनुमेरिकल जिन न्यूमेरिकल का नाम मानता नहीं दो तो उठ के बाज गया ये एक ईयरफोन लगा के बैठ गया <laughs> या एक छोरी बैठी करने लग रही थी बाकी एक दो है ना जिसने आंसर बता दे रट्टे मार रखे थे, <laughs> ना? मार थे? <laughs> है ना रट्टे मार रखे थे चल फिर अगला बताओ ये बताओ भाई सवरण आभूषण है <laughs> ये सरे हम <आँग> नहीं करते <laughs> बताओ शाबाश बताओ क्या होगा विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आभूषणों को साफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं बताओ कौन से एसिड का यूज करते हैं भाई बताओ शाबाश कौन से एसिड का यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड बोरिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड किसका यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं और कौन सा होता है इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ और कौन सा होता है जो आभूषणों को साफ करने में यूज किया जाता है भूल गए सारा है ना? नावार क्या होता है राज। है ना रजिया सुल्तान नहीं है है ना दो दो राजाओं की बेगम होती थी सुनने में ऐसा है ना एक की नहीं थी दूसरे को लेके तो आए थे पंजाब से हाँ तो क्या होता है ये ये एच सी और एच एन अच्छा किस अनुपात में मिले होते हैं भाई ये अरे वाह ग्राम सचिव का भी कॉमेंट आना है बच्चा हो गए भाई नौकरी लाग रहे थोड़ा पहले तीन अनुपात एक में मिले होते हैं ये सुंदर के पास होता है वो अपने आभूषण आभूषण को यो देख बेटी का बाप क्या बता रहा है एम जी क्या बता रहा है भाई तू नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बता रहा भाई चलो भाई खागढ़ है भाई अगला बताओ भाई ये डांगर के आगे पेपर्स में पसंद बताओ सिंगापुर में तो दस बज गए सोने का टाइम हो गया अच्छा रहे। सिंगापुर तैयारी कर रहे सुमित डिल्लो भाई है मेरा यो सिंगापुर तैयारी करने जा रहे हैं और लोहे दूर तैयारी कौन कर अपने ही वो है ना सी की तैयारी है वो चलो भाई बताओ पशु और भैंस कौन से परिवार में आते हैं बता रहा है कौन से परिवार में तो सारे दिन पे जो टांगा स्टेटस लगाया बताइए <laughs> है बताओ शाबाश पशु और भैंस ये पशु वैसे मतलब कैटल वो दूध देने वाले की बात रहे हो कौन से में आते हैं बताओ हैं अरे डी बता दो कौन से में आते भाई इतनी देर में कमेंट पढ़ लेते चाहिए चाहिए हैं कमेंट में लोग सही आंसर दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी बोविडी फैमिली में आते हैं दूध देने वाले पशु कौन सी फैमिली में <laughs> बोविडी फैमिली में आते हैं कौन सी फैमिली में आते हैं बोविडी फैमिली में आते हैं कैमलीडी के अंदर कौन आता है कैमलिडी के अंदर आता है ऊंट हा कैमल ऊंट सुइडी में सुअर 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 और इसके अंदर एक्विडी में इसमें आता है घोड़ा इसमें आता है घोड़ा इसमें आता है सुअर एनिमल हस्बेंड्री नहीं आती सर इनको कुछ भी कैमलिटी डी के अंदर आता है ऊंट ये सारे दिन खा कर दो टाइम स्टेटस लगाए रखे लगा है, है। ही पूछ लियो भैंस कौन से परिवार में आवा नहीं बता परिवार को कौन बेरा तो दूध देने वाले पशु है गाय है भैंस है बकरी है भेड़ है ये सारे बोविडी फैमिली में आते हैं है ना चलो अगला बताओ ये फिर आ गया नुमेरिकल बाहर को ना ना? गेट बंद कर दो बाहर नहीं जाएगा कोई भी गेट बंद कर दो बताओ चार प्रतिरोध है दो चार छ और आठ ओम इनको समांतर क्रम में जोड़ा है पैरेलल क्रम में जोड़ा है ठीक है और 24 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है तो बताओ 60 ओम है भैया छे ओम है हाँ छह ही छह ओम वाले प्रतिरोध के लिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ शाबाश बहुत आया करे भाई बहुत आया करे बाहर जाने के बाद देश की बहुत याद आया करे बहुत बढ़िया बताओ बताओ शाबाश आंसर निकालो भाई तुम भी बताओ एक सौ चौवालीस नहीं एक सौ चौवालीस गलत है भाई नाम टेक लिया था काला पजामा आंसर बताओ एक सौ चौवालीस सही करो तुम बताओ भाई, तुम बताओ भाई। क्या आएगा सी बता रहे हैं नहीं सी नहीं आएगा भाई सी गलत आंसर है ए बी सी डी अरे नारे नारे बता दो चार जने डी एक का तो ठीक पा <laughs> भाई देखो क्या करना होता है जब पैरेलल में होते हैं ना रेजिस्टेंस समांतर क्रम में होते हैं क्या होते हैं जब समांतर क्रम में होते हैं और इन सभी को जब हम एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं इन सभी को जब हम एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है क्या होता है तो ये जो बैटरी जितना वोल्टेज देती है वो इन सभी के लिए बराबर जाता है है ना पैरेलल में क्या होता है सभी के लिए वोल्टेज बराबर होता है और सीरीज में सभी के लिए करंट बराबर होता है है ना तो क्या होगा पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा तो भाई इसके लिए भी जितना ही वोल्ट जाएगा कितने वोल्ट की बैटरी चौबीस वोल्ट की इसके लिए भी चौबीस वोल्ट है इसके लिए भी चौबीस वोल्ट है यानी दो वाले के लिए भी चौबीस है चार वाले के लिए भी छ वाले के लिए भी आठ वाले के लिए भी अपने से कौन से की पूछा है छे वाले के लिए पूछा है तो क्या आएगा तो यानी कि आर की वैल्यू अपने पास क्या है छे ओम है वी की वैल्यू अपने पास क्या है चौबीस है आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इज इक्वल टू वी तो चौबीस बटा में चार आ जाएगा छोटा सा देख के लगा दिया था क्या आंसर तो <laughs> क्या आएगा चार एम्पियर आएगा दस एम्पियर इज राइट आंसर पी होगा स एम्पियर कहाँ से आया छोड़ रहने अपने। दस तो क्यों करी को नहीं आया चिली सोल्ट पीटर का फार्मूला बताओ। बताओ बताओ शाबाश क्या होता है चिली सोल्ट पीटर चिली सोल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट, सोडियम नाइट्रेट शाबाश एन ए थ्री -no यूज होता है इसका अच्छा सीरीज समझ गया था फिर ठीक है कहां यूज होता है बताओ चिली सोल्ट पीटर का यूज कहाँ होता है बताओ शाबाश। डेरी मिल्क फ्रीज में रहा है? है यो। मैं पूछू चिली सोल्ट पीटर का कहा यूज करते हैं इसका यूज करते हैं भाई फर्टिलाइजर्स बनाने में क्या बनाने में फर्टिलाइजर्स बनाने में उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होता है इसका क्या बनाने में फर्टिलाइजर्स बनाने में उर्वरक बनाने में यूज होता है ठीक है इसका पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बनाते हैं इससे इससे उर्वरक भी बनाते हैं फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं इससे विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोजिव अच्छा तेरे से पूछा था ना दिन में मैंने चिली सोल्ट पीटर वाला अच्छा ठीक तो जहां भी नाइट्रेट की बात आ जाती है ना उसका मतलब क्या होता है फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज करेंगे है ना जहाँ भी नाइट्रेट की क्योंकि अपने को पता है पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो जहाँ भी जहाँ भी नाइट्रेट की बात आ जाए उसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं उर्वरक बनाने में यूज करते हैं तेरे से पूछा था चलो फिर के बता दिए छोरा पढ़ जी छोरा बताओ क्या कहलाता बताओ इम्प्लांटेशन क्या होता है रोपण क्या होता है पड़ोसी कौन बिठा रखे स्टूडेंट भी रखे पड़ोसी बेटी का बाब कि कह दिया है, है। <laughs> की, की ने? क्लास में भी करवाया था आज यो क्वेश्चन हाँ क्लास में तो करवाया था वही मैं कह रहा हूं बताओ इम्प्लांटेशन क्या होता है देखो इंप्लांटेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना जब एग का और स्पम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है जो भ्रूण बनता है वो जो यूट्रस की वाल होती है उसके अंदर जब धसता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन रोपण हिंदी से पता चलता है दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होता है एग और स्पम जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन उसके बाद परशव पैशुरेशन ये भ्रूण को जन्म देना ये ओव्यूलेशन ये क्या होता है ये एग एग जब मेच्योर होता है तो ओवरी से जब बाहर आता है उसको बोलते हैं ओव्युलेशन अंडे का मेच्योर एग का बाहर आना क्या कहलाता है ओव्युलेशन तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है चलो क्या ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है हो गया लेकिन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यह तो बताइए बहुत आसान सा क्वेश्चन है बताओ शाबाश निशेचन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बताओ शाबाद क्या आएगा बी ए बी सी डी न्यू बताओ ए फोर एप्पल ऐसे बताओ रेगिस्तान में मिराज का दिखाई देना ऑप्टिकल नहीं है हीरे का चमकना ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर्स में भी होता है तो किस में नहीं होता ऑप्शन नंबर बी में नहीं होता कैलिडोस्कोप में होता है ये क्या होता है भाई क्या होता है इसमें कैलेडोस्कोप क्या होता है इसके अंदर एच में पूछा गया था यह पर्सन एक बार है ना इसके अंदर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन होता है इसके अंदर है ना तो ये होता है जिसके अंदर टी नहीं होता इसमें क्या होता है प्रकाश का प्रावर्तन होता है ठीक है भाई हो गए होंगे खत्म या बच रहे हैं हो oh, पढ़े अभी तक तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग ये तो सभी को पता है ये पेपर में पूछे गए पर्सन है इसलिए इसमें दिए क्या क्या है सिल्वर ठीक है सबको पता है इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे आगे बढ़ो ये बताओ जिसका मान सात से कम है वो कौन से है बताओ गैस्ट्रिक जूस अमाशय के अंदर रस जो होता है कॉफी एप्पल का जूस कार की बैटरी का जो लिक्विड होता है वो ऑप्शन है पहला और दूसरा पहला तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा या सभी बताओ शाबाश बताओ 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 YouTube वालों के कमेंट भी आने लग गए पहला दूसरा तीसरा है चौथा चौथा तो होता ही है ना एच टू एस ओ फोर चौथा तो होता ही है बैटरी के अंदर एसिड तो चौथे वाले तो आएगा पेट के अंदर भी होता है है ना एच सी एल बनता है इसीलिए पी एच मान कम होता है सेब के अंदर भी होता है कॉफी और इसके अंदर भी होता है तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आएगा ठीक है एसिडिक होती तो बताया तो था कॉफी और चाय में टैनिक एसिड होता है नहीं बताया था एसिडिक होती है गर्म हो गर्म ठंडा का मतलब को ये बताओ क्या ये क्या है पहले तो ये जी है क्या ये नहीं पता हम किसी को ना क्या है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बताओ शाबाश यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का यूनिट बताओ बताओ पहले बात तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है वो बराबर होता है कैपिटल जी एम वन एम टू में आर स्क्वेयर आर होता है दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस अब हमें तो इस जी की वैल्यू निकालनी है ना तो जी की वैल्यू निकालनी है तो इन सभी को इधर ले जाओ इन सभी को इधर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू इधर क्या बच जाएगी जब इन सभी को इधर लेके आएंगे फोर्स तो पहले से है यहाँ पे गुणा में आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वेयर होगा ऊपर बटा में एम वन एम टू नीचे आ जाएगा तो एम वन एम टू तो क्या होएगा जब इसको सोल्व करेंगे इसकी सबकी यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन आर डिस्टेंस का स्क्वेयर मतलब मीटर का स्क्वेयर ये क्या है मास किलोग्राम होता है किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम का स्क्वायर और किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा किलोग्राम माइनस का टू कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन हाँ। नंबर बी इज़ द राइट आंसर भाई बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश गुड़ी शाबाश <laughs> अगला क्वेश्चन <क्यों सुन> बताओ <laughs> दो मिनट पहले इसने पूछा था मेरे से अभी ज्यादा एंडी बन रही है <laughs> बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा न्यूमेरिकल देखते जैसे बूंदा बूंदा मुंह कर ले उन्हें बताओ, बताओ 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 क्या दे रखा है एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ किसी वस्तु का जो वेलोसिटी है वो फाइव मीटर पर सेकंड से बढ़ के दस मीटर पर सेकेंड हो जाती है कितने समय में समय नहीं दे रखा इस वस्तु में इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है निकाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी है ना सर जी इन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया जी बोलो इनको भाई लाइक और शेयर कर दो भाई इनको क्या बोलना है तुमको बोल रहा हूं है? भाई लाइक और शेयर कर दो ठीक है <coughs> देखो बच्चा कैसे करना है उसको? इसमें लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें इसमें लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस याद है करवाया हुआ तुम्हें बोल गए वी स्क्वेयर क्या होता है फाइनल वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी इसमें देखो दस मीटर पर सेकेंड तो दस का स्क्वेयर क्या आ जाएगा सो so, बराबर U मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी पहले थी पांच मीटर पर सेकेंड है ना पांच मीटर तो पांच का स्क्र क्या आ जाएगा पच्चीस प्लस में दो गुणा में कितना दिया हुआ है एक मीटर पर सेकेंड स्कूल तो की वैल्यू निकालनी है बस निकल जाएगी पच्चीस को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा कितना बचा पचहत्तर इधर कितना बचा टू एस बचा तो जब दो से पिछहत्तर को काटोगे तो क्या आ जाएगा सैंतीस पॉइंट सही कर रहे सर दो से पिछहत्तर को काटेंगे सैंतीस चौहत्तर सही हो रहा है मैथ का मास्टर बैठा है इसको भी नहीं आता यार ये भी गलत बता रहा है ना कर दी बेजती खराब कर दी इज्जत तो नहीं पहली चलो खत्म नहीं और भी आएगा कितने क्या है बहुत हो तो गया यार टेस्ला इज द यूनिट ऑफ <laughs> टेस्ला इज द यूनिट ऑफ टेस्ला इज द यूनिट ऑफ पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड मोमेंटम टेस्ला किसकी यूनिट होती है बच्चों? किसकी होती है मैग्नेटिक बताओ अरे फील्ड की होती है चुंबकीय क्षेत्र की होती है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की होती है शाबाश भाई ऑप्शन नंबर चार एक दो चार तीन चार वालों का भी ठीक है तीन वालों का भी ठीक है भाई बी कह रहा है अभी भी गलत अगला बताओ डीसी करंट होता है दिष्ट धारा का मतलब दुष्ट धारा नहीं है ये। इसका मतलब होता है डीसी करंट कहीं सोचो दुष्ट धारा है एपी गुरु पूर्णिमा भाई गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं सब तुम्हें पता है भाई गुरु पूर्णिमा आज है पार्टी मैं करूंगा पार्टी तुम करोगे बताओ भाई डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी करंट अपनी दिशा चेंज नहीं करता ये एक ही दिशा में चलता है और एक ही दिशा में चलता है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती बहुत बढ़िया क्या होती है शून्य होती है सर जीरो नहीं होती क्या होती है शून्य होती है और एसी करंट की कितने होती है एसी करंट की एसी करंट है? लेट क्यों आया अबे <laughs> तो कितने होती है भाई एसी करंट की <laughs> कड़ा बैठ <भिट रही> थी <laughs> <laughs> कितने बढ़ रही थी 50 हर्ट्स एसी करंट के क्या होते हैं 50 हर्ट्स है ना चलो भाई बाहर ये अपने देश में होता है बाहर दूसरे देशों में 60 हर्ट्स का होता है है ना तो बाहर देश में क्या करना अपन है ना अमेरिका में सीटी टी निकलेगा उस टाइम 60 हर्ट्ज आओगे आंसर है ना हाँ बताओ ये तो सबको ही पता भाई कौन सबसे कम पोल्यूशन करेगा स्टोरी भी लगाई थी रात को अरे तूने तो लगाई थी इन्होंने इनको पता ही नहीं गुरु पूर्णिमा होती है है ना कौन है हाइड्रोजन चौदह फरवरी याद, याद है इनको सबको याद है है ना गुरु पूर्णिमा क्या याद होगी इसको क्या बात भाई इसी के कमी लागी छोरा में इसके काम की कोनी चल हाइड्रोजन होता है भाई क्या होता है हाइड्रोजन होता है ठीक है ऑनलाइन वाले बालक सोचते हैं कि हमें भी ऑफलाइन आगे पढ़ना है बस खत्म थोड़े से यार और आज के लिए बस इतना ही भाई ठीक है गुरु पूर्णिमा का ठंडा प्या दो है। ये कैमरा खराब हो जाएगा रहने दे आ जाए फिर पे आवागे चलो ठीक है भाई बाय टाटा लाइक और शेयर कर दियो चौदह फरवरी को हमारा कोई लेना देना कौन भाई क्या मी डॉक्टर दिखा फिर चलो हैं क्या कर दो सब्सक्राइब हैं क्या करना है सब्सक्राइब अरे सब्सक्राइब कौन करना क्या ये किमें और कर लेंगे सब्सक्राइब कह रहा है ये भाई कह रहा है भाई सब्सक्राइब भी कर दो ठीक है चले बाय टाटा हैं ठीक है भाई उल्टी उल्टी बात होने लगी अभी यहाँ पे